साथियों, राजा बलि के समय से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। राजा बलि के समय में हमारे तीन चीजें खत्म की गई, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू डिफेंस और राइट टू एजुकेशन। जब ये तीन चीज हमारी खत्म की गई तो सारी शक्तियां किसको दे दी गई? राजा को। और जो कुछ राजा कहता था, राजा का जो शब्द होता था वो वर्ड ऑफ गॉड का कंसीडर किया जाता था। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और मनुवादियों ने हमारे बीच में अप्राकृतिक कितने सारे लोगों को तैयार कर दिया कि भी ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान। उसके बाद में 1600 में भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को 16 साल जो चार्टर महारानी एलिजाबेथ ने ग्रांट किया उसके तहत उन्होंने ट्रेड कॉमर्स के लिए यहां पर भारत में आए और उस कंपनी ने अपने आप को बढ़ाते बढ़ाते वो लेकर के आई 1773 तक, जब इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट बना उससे भारत। मैं ये बात क्यों बता रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे है और कॉन्स्टिट्यूशन डे पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें होनी चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रिपेयर आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत शॉर्ट में मतलब वहां से लेकर के 1600 और 1773 तक आ गए। 1773 के बाद में जब इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट बना उसके बाद में ये हर 20 साल के बाद में ये एक्सटेंड होता था और एक्सटेंड होते होते जब 1946 का आया तो 1946 में भारत सरकार का जो एक्ट बनता था उससे पहले 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना और 1909 में वायस राय की एक पोस्ट यहां पर क्रिएट की गई भारत के अंदर, जो ब्रिटेन से आता था गवर्नर इसको गवर्न करने के लिए भारत को, उसको वायस राय 1909 में कहा जाने लगा। 1935 में जो भारत सरकार एक्ट बना और 1946 में हमारा ये संविधान का मसौदा संविधान सभा की बात चालू होने लगी और 1947 में देश को आजाद करने की जो प्रक्रिया चालू हुई उसमें संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन में जिन लोगों को बाबा साहब के साथ में रखा गया वो एक तो विदेश से आए नहीं, बाबा साहब के साथ में संविधान बनाने के लिए जिन जिन साथियों को रखा गया वो एक विदेश से नहीं आए, एक पूरे टाइम बीमार रहे, एक जहां वो छोड़ करके चले गए और एक साथी को राजनीति के राजकाज से समय नहीं मिला। तो बाबा साहब ने एक एक शब्द को, एक एक काम को, एक एक लाइन को अपने तरीके से संविधान में समाहित किया। और ये जो संविधान इस समय पे हम देख रहे हैं, जो जो भी बातें हम संविधान में, बहुत ही सुंदर तरीके से बाबा साहब ने संविधान को रखा और जो जो चीजें उन्होंने रखी, हम आज देख रहे हैं कि हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है, रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन की जो बात है वो पूना पैक्ट से हमको मिली, उससे पहले रिजर्वेशन के लिए हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने जो 26 जुलाई 1902 को रिजर्वेशन की पॉलिसी लॉन्च की भारत में, वहां से उन्होंने रिजर्वेशन को लिया। शिक्षा की बात जो हमारे ज्योतिबा फुले, हमारे जो महापुरुष थे, शिक्षा के अग्रदूत थे, उनसे उन्होंने शिक्षा की के मसौदे को उसमें रखा। और जो भारत का जो फेडरल सिस्टम है उसको कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के आए। इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि भारत का ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, सबसे बड़ा संविधान भारत का है और सबसे छोटा ब्रिटेन का, सबसे छोटा संविधान ब्रिटेन का है। इसके बारे में मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता था कि कहां कहां से क्या क्या लिया गया। ये आप हमारा देखते हैं कि भारत का जो एम्बलम है, भारत सरकार का जो राज चिन्ह है, चार शेर जो लिए गए हैं, ये सम्राट अशोक ने जो सारनाथ में वो 84,000 स्तूप बनवाए थे, ये जो हमारा एम्बलम है ये सारनाथ के स्तूप से लिया गया है और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्र चिन्ह के बाद हमारी बात आती है झंडे की। साथियों, झंडे बनाने के लिए जिन साथी को काम दिया गया उन्होंने झंडे में सफेद रंग को ऊपर रख दिया,
मगर एक एक चीज के बारे में बाबा साहब का बहुत गहन अध्ययन था। बाबा साहब ने हमारे इसी चिन्ह को जो आप देख रहे हैं कि बीच में जो अशोक चक्र है ये धम्म चक्र है, बाद में इसका नाम अशोक चक्र पड़ गया, मगर ये धम्म चक्र है। तथा गौतम बुद्ध के टाइम से इसको धम्म चक्र कहा जाता है और अशोक ने अपने स्तूप में जो इस धम्म चक्र को स्थापित किया था, इस धम्म चक्र को बाबा साहब रखना चाहते थे झंडे के अंदर, मगर बाबा साहब का अध्ययन था कि झंडे के बीच में हमारा चक्र होना चाहिए, जबकि झंडे की ड्राफ्टिंग करने वाले साथी ने सफेद रंग को ऊपर रख दिया था। अब क्योंकि धम्म चक्र हमारा नीले कलर में है और नीले कलर को अगर नीचे केसरिया रंग में दिखाएंगे तो ज्यादा दिखाई नहीं देगा, तो बाबा साहब ने उसको व्हाइट कलर को बीच में रखा और धम्म चक्र उसके बीच में रखवाया। साथियों इस हमारे संविधान, मेरे को पर्ची मिल चुकी है, वैसे मैं काफी नियम तरीके से चलने वाला इंसान हूँ, पर्ची मिल गई है, मैं अपनी बात को स्टैंड अप करना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की बस बहुत थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में 1,45,000 शब्द हैं और 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद में 5 साल तक इसको इटालियन स्टाइल से लिखा गया, गोल्डन कलर में लिखा गया। इसको देहरादून में पब्लिश किया गया और आज भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पार्लियामेंट के बेसमेंट में रखा गया है। हीलियम गैस है, हीलियम गैस वहां पर छोड़ी हुई है और उसको कहते हैं ना गर्भ ज्ञान, मंदिर में कहते हैं गर्भ ज्ञान, मंदिरों से कहते हमारा लेना देना नहीं है कुछ भी, मंदिर में कहते हैं एक जगह होती गर्भ ज्ञान, ये पार्लियामेंट के गर्भ ज्ञान में रखा हुआ हमारा वो सबसे फाइस ग्रंथ है जिसकी जो सुपर कस्टडी में रखा हुआ है और वहां पर 24 घंटे पैरा रहता है पार्लियामेंट में। वैसे तो आपको याद भी जाता नहीं है मगर उसके बावजूद भी 24 घंटे टाइट सिक्योरिटी रहती है, हीलियम गैस है ताकि खराब ना हो, गर्मी से सर्दी से लो टेम्परेचर से खराब ना हो और काफी दिन तक हो रहा है। मैं कुछ चैलेंज फीचर बताना चाहता था कि जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमारा एक पर्सनल लिबर्टी का आइडिया लिया गया और जो हमारा यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमारे फंडामेंटल राइट लिए गए थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जगहों से ली गई है, पर्ची मिल गई है, मैं इसलिए अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। आपने मेरे को बुलाया, समय दिया, मैं मंच का सम्मान करता हूं, आप सभी को जय भीम करता हूं, मुझे यहां पे बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद।